पुणे के राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। परेड में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे मुख्य अतिथि थे। देखिए रिपोर्ट। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कैडेट भारतीय सेना में जाने के लिए तैयार हैं। ये कैडेट्स अब आर्मी, वायुसेना और नौसेना के लिए अगले 1 साल तक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हासिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने परेड का अवलोकन किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया। जनरल मनोज पांडे ने महिला कैडेट्स को नारी शक्ति और समावेशी सशस्त्र बलों के प्रति सेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। एनडीए से पास आउट होने वाले कैडेट्स सेना में जाने पर खुश दिखे तो वहीं दोस्तों से बिछड़ने का गम भी दिखा। बहुत गर्व की ये एक मोमेंट है हमारे लिए कि हम आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और मेडल हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम अपने पूरे कोर्स के साथ आज पास आउट हो रहे हैं और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी है जिसके बाद हम सारे लोग एक साथ नहीं मिलेंगे। 3 साल का टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। काफी टफ टाइम भी होता है पर उनसे सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, स्पेशली कैंप्स वगैरह हो गए इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और फाइनली 3 साल बाद अभी लग रहा है कि काफी कुछ पेरेंट्स को यहाँ पे देख के लग रहा है कि जीवन में हासिल में कुछ अचीव किया है।